राधे कृष्ण भक्त जनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूं, जो कि दीपक के ऊपर आधारित है। और आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी कि दीपक में अगर फूल बनते हैं कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या सटीक कारण होता है, उस चीज़ के ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहली बात कि जो आप वीडियो में हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं कि कुछ गणेश जी की आकृति टाइप में हमारे पास फूल की आकृति बनी हुई है, ऐसे ही बहुत तरह की आकृतियां हमारे दीपक में बनती है। कि कभी कभी हमारे दीपक में गुलाब की पंखुड़ी टाइप की भी आकृति बनती है, कभी कभी हृदय के आकार में हमारी आकृति दीपक में बनती है। तो ये सारे फूल में ही आते हैं और अलग अलग तरह की आकृति बनकर ये फूल बनते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उन तक आपकी पूजा पहुंच रही है, वे आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और ये आप जान लीजिए कि ये बहुत शुभ परिणाम देता है और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।